जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 10:20 हो गए, 10:20 PM एंड इट्स ट्यूसडे अप्रैल 7। तो आज मैं थोड़ा सा खुश हूँ, तो सोचा कि कुछ कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। तो इसको मैं काम करता हूँ, मिनिमाइज ही कर देता हूँ। तो हो सक आशा करता हूँ ये सब आपको दिख रहा होगा। तो आप लिखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये प्योरली एक स्टोरी है, कोई भी इसका मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं है। इसको आप देखते हुए कोई भी डिसीजन मत लेना। मैंने अपने दिमाग की एक उपज आपको बताने की कोशिश की है, तो लेट अस सी क्या होता आगे। बट मुझे जो लग रहा था, मैं एक बार कैलकुलेट करके आपको बताना चाहता हूँ। स्टोरी एज पर मी, 12,430 ATH, मतलब ऑल टाइम हाई, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई था, माइनस जो अभी रिसेंटली लो बना था 7,511। आपको दिख गया 7,500। तो इसको अगर माइनस करें तो टोटल करेक्शन हुआ मार्केट का 4919, 4919 पॉइंट्स करेक्शन हुआ। अगर इसका हम 38.2% रिट्रेसमेंट करें वापस, तो वो होता है 1879 पॉइंट्स, 1879। तो इस 1879 पॉइंट्स को हम, जो रिसेंट लो बना 7,511, इसमें अगर ऐड कर दें, जो अभी जर्नी चालू है 7,511 के बाद, तो इसमें अगर हम 1879 पॉइंट्स को ऐड कर लें, तो ये 9,390 लगभग आता है, 9,390, 9390। तो मेरे हिसाब से इस थर्सडे तक, यानी कि कल वेनेसडे है और परसों थर्सडे है, मार्केट कहीं ना कहीं 9390 से लेके 9475 के आसपास हाई बनाएगा। ये मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, इसमें कोई सत्य नहीं है, एक मेरा अंदाजा मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो 9390 या 9475 का हाई बनेगा, और वहाँ से मार्केट करेक्शन लेगा मंडे के, मंडे मंडे से, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, और मंडे से जो करेक्शन लेगा वो इस 9475 का, मैं एक बार हाई मान के चल रहा हूँ इसको, क्योंकि एग्जैक्टली इतना नहीं आता, इससे 50-100 पॉइंट ऊपर जाता है, तो मैंने एक राउंड राउंड फिगर लिया है 9475। तो 9475 का 23.6% करेक्शन अगर मैं लेता हूँ, 23.6%, तो वो होता है 2,236 पॉइंट्स। तो प्रोबेबल जो न्यू लो बनेगा अप्रैल 30 तक, इस महीने की 30 तारीख तक, वो एक नया लो बनेगा 9475 माइनस 2,236 इजिकल टू 7239, और इसको मैं राउंड फिगर करता हूँ तो 7,100 के आसपास एक नया लो बनना चाहिए इसी महीने, या फिर 10 तारीख तक अगले महीने की, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा नॉलेज है वो आप लोग को इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। मतलब मैं कहीं तेज़ी में नहीं हूँ, मैं बोथ साइड ऑफ द मार्केट में हूँ। तो तेज़ी मुझे यहाँ तक दिख रही है, लगभग यहाँ से, या तो ये या ये। हालांकि मेरा टारगेट मैंने 9,040 का दिया हुआ है, ठीक है, वो तो शायद कल ही आ जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है प्रोबेबल हाई टिल थर्सडे, और यहाँ से फिर मंडे से जो करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ट्यूसडे को छुट्टी है, तो मंडे एक सरप्राइज डे होना चाहिए, और वो मोस्ट प्रोबेबली अच्छा करेक्शन वाला दिन होना चाहिए। तो वहाँ से जो करेक्शन होगा 30 तारीख तक, या अगले महीने की 10 तारीख तक, शायद हम 7,100 या 7,200 भी निफ्टी को आता हुआ देख सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और अगर थर्सडे की तेजी मंडे को चालू रहती है, तो फिर मेरे कुछ नया कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा। ये मैं कैलकुलेशन करके बैठा हूँ, तो मैं ये कैलकुलेशन शेयर कर रहा हूँ। कोई भी इस पे, आप कोई भी भूल से भी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इसके भरोसे में कुछ मत करिएगा। ये मेरे एक दिमाग में आया था, उपज है, तो मैं आपको शेयर कर दिया हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा दोस्तों, तो इसी तरह की नॉलेज मैं शेयर करूँगा। अगर आप लोगों के लाइक्स उस लेवल के, और आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करोगे, तब आपको इस तरह के वीडियो
हमेशा मिलते रहेंगे, क्योंकि प्रमोद जैन अपने कमजोर स्टूडेंट का हाथ कभी नहीं छोड़ता है। डायलॉग आमिर खान का है, लेकिन सूट मेरे को करता है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।